हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीके जी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए तीन स्टॉक चुने हैं। एक है NIIT लिमिटेड, दूसरा है अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड, तीसरा है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो NIIT लिमिटेड का डेली चार्ट है। NIIT ने मार्च 21 में 136 का भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। अप्रैल 21 में 194 हाई बना, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन जोन, वापस अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स। जून 21 में 308 का हाई बना, उसके बाद स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में और एक नैरो रेंज में ट्रेड करने लगा, कंटिन्यूस लेकिन हायर बॉटम्स बनती रही। यहाँ से जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में थी वो आज तक पॉजिटिव मोड में ही है, और ये एवरेजेस को पार करने के बाद स्टॉक 85% ऑफ द टाइम एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST, डिमांड इंडेक्स और अरुण अप एंड डाउन इंडिकेटर्स का सहारा लिया है, और तीनों में इंडिकेशन मिल रहे एक स्टॉक एक मजबूत अप ट्रेंड में जा रहा है। अभी स्टॉक ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल विद गुड वॉल्यूम्स में अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 387 का हाई बनाए, पूरा ये जोन को पार करके नया हाई बनाए, और स्टॉक में 200 DMA यहाँ से कंटिन्यूस राइजिंग मोड में। तो ये सब कारणों को देखते हमें लगता है कि NIIT लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 370 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 550 आ सकता है, और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 363, 348, 337, 324 और 318, और ए ट्रेड में 303 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ये आज का अगला स्टॉक अल्केम लैब लिमिटेड। अल्केम लैब ने अगस्त 2017 में 1578 से अपना अपमूव स्टार्ट किया, जनवरी 2018 में 2468 का हाई बना, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग भी आया, अगस्त 2019 में 1662 का इससे हायर बॉटम बना, फिर स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आई, पूरा जोन को पार करके स्टॉक आगे गया और अगस्त 2020 में 3090 का एक हाई बना। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ से जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में आई वो आज तक पॉजिटिव मोड में ही है। स्टॉक ने बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके 2544 का मार्च 21 में एक हायर लो बनाया। यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यूस स्टॉक में ये बाद में बाइंग इंटरेस्ट बनी रही, और स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता रहा। इस अल्केम का वीकली चार्ट है, ये सब वीकली कैंडल्स है, तो आप देख सकते हो कि एटलीस्ट मार्च अप्रैल से लेके सितंबर तक स्टॉक ने कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में ही ट्रेड किया। ये पूरा एक जोन है जनवरी 2018 से लेके सितंबर 21 का, पूरा जोन में स्टॉक ने ट्रेड करके अभी भी स्टॉक ने ये रेंज मतलब का ब्रेकआउट देके 4068 का नया हाई बनाया है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, ADX और MACD का सहारा लिया है। अरुण अप एंड डाउन और ADX में तो अच्छी खासी मजबूत ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो इंडिकेशन मिल रहे हैं। MACD जो उसके दो जो एवरेजेस है EMA, shorter EMA diverges is further from the longer EMA, which means that एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बन रहा है। तो एक कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि अल्केम लैब लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 4002 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 5400 आ सकता है, और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 3885, 3775, 3685, 3594 और 3550, और ए ट्रेड में 3425 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये आज का आखिरी स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दीपक फर्टिलाइजर ने फरवरी 2021 में 153 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया, स्टॉक धीरे धीरे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा, कंटिन्यूस स्टॉक में बाइंग बनी रही और कंटिन्यूस हायर बॉटम्स और हायर टॉप्स बनते रहे। स्टॉक में यहाँ से सुपर ट्रेंड जो पॉजिटिव मोड में थी यहाँ तक पॉजिटिव मोड में ही रही, और स्टॉक ने जून 21 में 475 का एक नया हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में डायरेक्शनल लेस ट्रेडिंग जोन में ट्रेड करता रहा, कंटिन्यूस एवरेजेस के आजू बाजू ही स्टॉक ट्रेड करने लगा, और बहुत ही नैरो मोमेंट्स में स्टॉक ने ट्रेड किया। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST, डिमांड इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स का सहारा लिया है। डिमांड इंडेक्स और KST में तो अच्छी खासी डिमांड स्टॉक में डेवलप हो रही है, ऐसा माइनर इंडिकेशन मिल रहे हैं। मनी फ्लो इंडेक्स विच
which is an oscillator which uses price and volume to measure buying and selling pressure. तो उसमें इंडिकेशन मिल रहा है कि अच्छा खासा एक बाइंग का प्रेशर स्टॉक में डेवलप हो रहा है. स्टॉक में अभी अभी अच्छी खासी एक वॉल्यूम हुई है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है. तो स्टॉक में जो 200 डीए में कंटिन्यूस जो राइजिंग मोड में है, तो हमें लगता है पूरा अभी ये जो एक जोन था उसको स्टॉक पार करके आगे बढ़ेगा. तो दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस है 424 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 650 आ सकता है. और अगर स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 413 और 385, और ए ट्रेड में 360 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है. Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Ventura Securities Limited, SEBI registration number, INH00001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.